हेलो स्टूडेंट, अभी हम लोग करने वाले हैं इनइक्वालिटीज का नेक्स्ट पार्ट। कल हमने पिछले वीडियो में जो है हमने किया था इनइक्वालिटीज का फर्स्ट पार्ट, आज उसी का हम नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक थ्योरम से। ठीक है, थ्योरम क्या है ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ये मैंने ट्रायंगल में स्टेटमेंट तो बता दिया था, क्या बताया था, इन अ ट्रायंगल प्रूव करना है तो लिख दो प्रूव दैट इन अ ट्रायंगल द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज लेस देन थर्ड साइड। यही है कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का डिफरेंस तीसरे साइड से छोटा होता है। और इससे पहले प्रीवियस थ्योरम जो हम लोगों ने प्रूव किया हुआ था कि दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो एक ट्रायंगल बनाना होगा, इसके लिए बना लिए ट्रायंगल, ए बी सी लिखते हैं। गिवन क्या होगा, गिवन वही होगा जो क्वेश्चन में लिखा है, गिवन वही होगा जो फिगर आपने बनाया है। तो गिवन में ये होगा ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ए बी सी हमने एक ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, इसमें साइड वगैरह के बारे में हम लोग एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि इन विच कोई एक साइड एसी को हमने ए बी से बड़ा ले लिया, एसी को ले लिया है ए बी से बड़ा। ठीक है, गिवन के बाद क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में हम देख रहे हैं कि एसी ए बी से बड़ा है। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर का है और ये 8 सेंटीमीटर का, तो इसमें भी कुछ डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर तो होगा। तो मान लीजिए यहाँ क्या, तो भाई हम लोग कंस्ट्रक्शन में लेंगे कट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, यहाँ डी ले लेते हैं क्या, ए बी इज इक्वल टू ए डी। और उसके बाद क्या करें, इसको ज्वाइन भी कर देते हैं, ज्वाइन बी डी, बी डी को हमने मिला दिया। अब प्रूफ शुरुआत करते हैं। अब क्या प्रूफ करना है ये तो आपको पता ही है, तीन वो बात होता है, ए बी माइनस बी सी लेस देन ए सी, बी सी माइनस ए सी लेस देन ए बी, और ए सी माइनस ए बी लेस देन बी सी, ये तीन होगा। तो अभी जो हम लोग प्रूफ करेंगे कोई एक प्रूफ होगा, तो वैसे ही हर एक साइड को अगर आप बदल बदल के लीजिएगा तो तीनों प्रूफ हो जाएगा। तो एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो एक ही को प्रूफ करना है, तीनों को नहीं। प्रूफ करते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी जैसा कि आप देख रहे हैं एक आइसोसेलस ट्रायंगल है। क्यों, क्योंकि ए बी बराबर ए डी है, कंस्ट्रक्शन में लिए हैं। तो जब दो साइड इक्वल होता है किसी भी ट्रायंगल में तो उसके सामने का एंगल भी इक्वल होता है, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड सर इक्वल। तो इस साइड के सामने का एंगल ये, यहाँ पे हम लोग नेमिंग कर देते हैं थोड़ा इजी होने के लिए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये मेरा क्या है, वन है, ये टू है, और यहाँ पे थ्री ले ली, थ्री ये तो कंप्लीट एंगल सी है, यहाँ लिखने का जरूरत है, यहाँ थ्री और ये फोर। ठीक है, ले लिए इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी। तो ए बी के सामने का है एंगल टू, इधर लिख लेता हूँ एंगल टू, और इसके सामने का एंगल है वन, तो एंगल टू और वन इक्वल हो गया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ए बी डी का एक्सटीरियर एंगल थ्री है, तो इस हिसाब से एंगल थ्री क्या होगा, एंगल वन से ग्रेटर होगा, एंगल थ्री जो होगा एंगल वन से ग्रेटर होगा। फिर से एक और बात देखिए, बी डी सी ट्रायंगल देखिए, बी सी डी का एक्सटीरियर एंगल क्या है, टू है, बी सी डी का एक्सटीरियर एंगल टू है,
तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि ये भी एक्सटीरियर है तो इस ईच इंटीरियर से ग्रेटर होगा, तो टू जो है फोर से बड़ा होगा। तो अभी हमको दो चीज जानना है कि थ्री वन से बड़ा है, टू फोर से बड़ा है। तो थ्री वन से बड़ा है उसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, एंगल टू इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल बीडीसी, देयरफॉर एंगल टू ग्रेटर देन एंगल फोर। हो जाएगा। वैसे ही अब थ्री के बारे में लेते हैं, एंगल थ्री इज एक्सटीरियर एंगल थ्री इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीडी। तो अब क्या होगा, थ्री जो है आपका बड़ा हो जाएगा किससे, एंगल वन से। इस बात से आप सहमत है, और थ्री वन से बड़ा होगा तो थ्री एंगल टू से भी बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि वन इक्वल टू टू है, तो वन को हमने टू से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। एंगल थ्री ग्रेटर देन एंगल टू, एंड पहले क्या आया है, टू ग्रेटर देन फोर, एंगल टू ग्रेटर देन एंगल फोर। इससे क्या पता चलता है, देखिए थ्री ग्रेटर है टू से और टू ग्रेटर है फोर से, इसका मतलब है इसे हमें मिला कि थ्री ग्रेटर देन टू और टू ग्रेटर देन एंगल फोर। एंगल थ्री एंगल टू से बड़ा है और एंगल थ्री एंगल फोर से, इसे क्लियरली ये पता चल गया कि एंगल थ्री एंगल फोर से भी बड़ा है। तो हम लिख देते हैं कि एंगल थ्री ग्रेटर हो गया है एंगल फोर से, क्योंकि हमको एक ही ट्रायंगल का दो एंगल चाहिए। हमने पिछले वीडियो में ये थ्योरम प्रूफ किया था कि जो साइड बड़ा है उसके सामने का एंगल बड़ा होगा और जो छोटा है उसके सामने का, तो एक ही ट्रायंगल होना चाहिए। तो थ्री और फोर देख रहे हैं ये एक ही ट्रायंगल का है, तो थ्री के सामने का साइड क्या है, बीसी, और फोर के सामने का साइड क्या है, डीसी। अब बीसी को तो बीसी ही रखते हैं, डीसी को क्या लिखेगा, डीसी को आप लिख सकते हैं एसी माइनस एबी, बिल्कुल लिख सकते हैं। एसी का तो एसी को हम लोग एसी ही रहने देते हैं, एडी का वैल्यू कुछ है, एडी का वैल्यू क्या है, एबी है। तो इस तरह से हमने प्रूफ किया कि बीसी ग्रेटर देन एसी माइनस एबी। कौन सा प्रूफ हुआ, बीसी ग्रेटर देन एसी, ये वाला प्रूफ हुआ, ठीक है। समझ गए होंगे आप ये थ्योरम कैसे प्रूव हुआ। तो अब तक हम जानते थे कि दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है, और अभी हमने जाना कि दो साइड का डिफरेंस जो है तीसरे से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये सब तो मैंने कराया था क्वेश्चन, क्वेश्चन है इन ट्रायंगल एबीसी इफ एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, so that AB greater BD and AC greater DC। यही क्वेश्चन समझना है अच्छे से। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC बना देते हैं, AD is bisector of angle, angle A का bisector है AD, मतलब ये angle इसके बराबर है। तो
तो आपको प्रूफ करना है। और कुछ दिया हुआ है क्या? क्वेश्चन फिर से पढ़ो। इन ट्रायंगल एबीसी इफ एडी इज द बाईसेक्टर ऑफ एंगल इज सो दैट एबी ग्रेटर देन बीडी एंड एसी ग्रेटर देन डीसी। हां ठीक है, क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन मैंने लिख दिया, आपका छूटेगा नहीं, चाहे मैं कितना भी जल्दी क्यों ना बोलूं। अब देखिए, ये एंगल इसके बराबर है, हमको लाना है एबी बड़ा होगा बीडी से, एबी बड़ा होगा बीडी से, मतलब इसी ट्रायंगल में वर्क होगा। तो इसको बड़ा दिखाना है मतलब ये एंगल बड़ा होना चाहिए, अब BD को छोटा दिखाना है मतलब ये एंगल छोटा होना चाहिए। तो इसको छोटा करना है, इसको बड़ा करना है। अब हम गौर से अगर देखें तो ये पता चलता है कि एंगल ADB एक्सटीरियर एंगल है। एंगल ADB एक्सटीरियर एंगल है किसका? ट्रायंगल ADC का, है ना। लिखते हैं कि प्रूफ, यहां से शुरुआत कर रहे हैं। एंगल ADB इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ADC। ADC का ये एक्सटीरियर है, और आप जानते हैं एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होता है। और मैंने उसी समय ये भी प्रूव कराया था कि एक्सटीरियर एंगल ये पर्सनली इससे बड़ा होगा, ये पर्सनली इससे बड़ा होगा। ठीक है, तो हमको तो इस एंगल से काम है, इसे काम नहीं। तो हम लिखते हैं कि इस कंडीशन में एंगल ADB जो है ग्रेटर हो गया है DAC से, ये एंगल इससे बड़ा होगा, होगा कि नहीं? जरूर होगा। अब देखिए क्या होगा, हमको तो ये एंगल चाहिए और ये एंगल चाहिए, हमारे पास ये एंगल तो अवेलेबल हो गए लेकिन ये नहीं है। ठीक है, वो भी आ जाएगा। ADB का ADB रह गया ग्रेटर। अब देखिए DAC बराबर DAB फिगर में दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये एंगल इसके बराबर है। तो DAC को हम DAB से रिप्लेस कर दिए, तो यहाँ पे हम लिख दिए DAB। ठीक है, अब आ जाइए, हमारे पास एंगल है ADB ये एंगल, और हमारे पास है DAB ये एंगल, ये बड़ा है तो इसके सामने का साइड क्या है? AB बड़ा होगा। DAP के सामने क्या है? BD। प्रूफ हो गया, पहला वाला बात हम लोग प्रूफ कर दिए कि AB ग्रेटर होगा BD से, समझ गए होंगे आप। दूसरा वाला लेते हैं, नहीं समझे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। दूसरा वाला देखिए क्या है, अब आपको इसमें प्रूफ करना है AC बड़ा है DC से, AC मतलब ये साइड, तो इसको बड़ा होने के लिए यहाँ पे एंगल बड़ा होना होगा, और DC मतलब ये इसको छोटा होना, बिल्कुल वैसा ही है, पहले इन दोनों का रिलेशन था अभी इन दोनों का। तो फिर हम लिखेंगे कि ये एक्सटीरियर एंगल है किसका? इस ट्रायंगल का, ABD का। क्या लिखने वाले हम? एंगल ADC इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABD। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ, बच्चा क्लास 7 से जो इससे डरना शुरू करता है तो 9th तक डरता ही रहता है, और उस डर उसका पीछा नहीं छोड़ता है। इसीलिए ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना जरूरी है, इसका यूज आपको बहुत जगह मिलेगा, जैसे AP वगैरह चैप्टर में भी, वहाँ पे अगर ग्रेटर देन लेस देन आ गया 11th क्लास में खुद इनइक्वालिटीज पढ़ना है, इनइक्वालिटीज का नॉलेज होना चाहिए, वहाँ पे अलजेब्रिक इनइक्वालिटी है। तो ADC एक्सटीरियर हो गया है एंगल, ये एक्सटीरियर है तो ये एंगल इससे बड़ा होगा। एंगल ADC बड़ा हो गया है BAD से, और हमको पहले से ही मालूम है कि BAD किसके बराबर है? DAC के। तो BAD को DAC से रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि हम तो पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि AC चाहिए तो ये एंगल लाना होगा, DC चाहिए तो ये एंगल लाना होगा। तो जब हमको ये मिल जाएगा तो इसको हम इसमें बदल दिए हैं, BAD को क्या लिखे? DAC। अब ADC के सामने देखिए AC है, DAC के सामने देखिए DC है, हो गया फिर से प्रूफ। एक क्वेश्चन में दो बार प्रूफ, देखिए ये हुआ कमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्या ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में लिया था, मुझे तो याद भी नहीं, ये तो नहीं लिया था। यहाँ A लिखा हुआ है
बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, ये 35 है, ये 65 है, और कुछ नहीं है। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 35 एंगल सी इक्वल टू 65 एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी। फिर से बाइसेक्टर, आप समझ गए होंगे, अभी बाइसेक्टर वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए, इसको इसके बराबर हमने लिख दिया, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी मीट बीसी इन एक्स। ठीक है, यह एक चीज फिर भी यहाँ लिख देता हूँ, बहुत चीज फिगर में देख के याद नहीं होता है, बहुत चीज लिखा हुआ रहता है वो भी याद नहीं रहता, तो मैं लिख भी दिया और फिगर में भी दे दिया। ए एक्स इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, अरेंज ए एक्स बी एक्स एंड सी एक्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, इसमें तो काम ज्यादा है, किसी एक साइड को किसी एक साइड से ग्रेटर नहीं करना है, तीनों को पता करना है कौन बड़ा है फिर छोटा कौन सबसे छोटा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, किसको अरेंज करना है, साइड को, अरेंज द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। नहीं, एबीसी नहीं था शायद, क्या था, ए एक्स बी एक्स एंड सी एक्स था। अरेंज ए एक्स बी एक्स सी एक्स इन, ये वो लिख देता हूँ, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर। तो शुरुआत करते हैं बाइसेक्टर देख के, तो हम लोग का जो मन है खिल गया, क्योंकि अभी पिछला क्वेश्चन वैसा ही बनाए थे, तो उसका कॉन्सेप्ट यूज है। पहले सीधी सी बात है, ये 35 है, ये 65 है, तो ये कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी 180। तो समझिए कि मैं टीचर नहीं, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं कैसे बनाऊंगा, अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। फिर एक वैल्यू तो मालूम नहीं है, तो एक रह गया, ये रहा 35, ये रहा 65, इज इक्वल टू हो जाएगा 180, ये कितना आ जाएगा 100, एंगल ए बराबर 80 आ गया। देखिए पूरा 80 है, तो ये तो 40 होगा ना, ये भी 40 होगा। अब देखिए यहाँ पे असली दिमाग का टेस्ट है, अब हम लोग कैसे करते हैं, अगर हम ट्रायंगल ए बी एक्स में जाए, ए बी एक्स में जाए, तो 40 के सामने क्या है, बी एक्स है, 40 के सामने है बी एक्स और 35 के सामने है एक्स। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल बी ए एक्स जो है बड़ा है किससे, बी ए एक्स 40 है, बड़ा है किससे, एंगल बी से। ठीक है, तो बी ए एक्स के सामने है बी एक्स, तो इससे मुझे ये पता चला कि बी एक्स ग्रेटर, एंगल बी के सामने क्या है एक्स। पहला बात तो आ गया, दो साइड में रिलेशन आ गया कि बी एक्स जो है ए एक्स से बड़ा है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं किसमें, इसमें आ जाते हैं ए सी एक्स में, इन ट्रायंगल ए सी एक्स। तो देखिए इसमें क्या है, 65, ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है, तो लिखते हैं क्या लिखना है। इसमें हम लोग लिखने वाले हैं एंगल सी आजकल बड़ा हो गया है, एंगल एक्स ए सी, तो सी के सामने ए एक्स है और इसके सामने क्या है, सी एक्स है। अब हम किस नतीजे पर पहुंचे हैं सो देखिए, पहला इक्वेशन ये हो गया, ये दूसरा हो गया, बी एक्स बड़ा है ए एक्स से और ए एक्स बड़ा है सी एक्स से, तो हम फ्रॉम वन एंड टू से अगर जाते हैं, फ्रॉम वन एंड टू, तो क्या होगा, बी एक्स बड़ा है ए एक्स से और ए एक्स बड़ा है सी एक्स, ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, बड़ा से छोटा आ रहा है, तब तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया है, ये हो गया है डिसेंडिंग ऑर्डर। हमको लिखना किस में है, असेंडिंग ऑर्डर, इसको घुमा देंगे, पहले क्या होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले होगा सी एक्स, सी एक्स छोटा हो गया है ए एक्स से
और ये छोटा हो गया है बी ए से, और यही हमारा क्या होगा आंसर। बहुत आदमी यहाँ पे लाके छोड़ देंगे तो उनको गलत माना जाएगा, क्योंकि तो ये आंसर हो गया डिसेंडिंग का, पूछ रहा है असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा उम्मीद करता हूँ, नहीं भी लगा होगा तो अच्छा समझ लीजिएगा, क्योंकि ये काम का क्वेश्चन सब है। तो अगला क्वेश्चन है क्या जी, क्या क्वेश्चन था, ये एक फिगर दिया हुआ है, सर्कल है, लेकिन ट्रायंगल में भी सर्कल आ सकता है। ये मतलब नहीं कि आप सर्कल नहीं पढ़े हैं तो बोलिए ये सर्कल हम तो पढ़े ही नहीं है, पढ़े हैं, सिक्स में पढ़े हैं, सेवन में पढ़े हैं, वो सब भूल गए। और यहाँ पे एक जेड पॉइंट है और ये डॉटेड लाइन है। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो क्या है, सर्कल का सेंटर है, क्वेश्चन आप लिख लीजिए मैं बोल रहा हूँ। एंड एक्स ओ वाई इज अ डायमीटर, एक्स ओ वाई क्या है, एक सीधी सी बात है, जब ये सेंटर है तो ये रेडियस होगा और ये रेडियस होगा, ये एक सीधा लाइन डायमीटर हो गया। इफ एक्स जेड इज एनी अदर कॉर्ड ऑफ द सर्कल सो दैट एक्स वाई बड़ा है एक्स जेड से, टीपी है, टीपी मतलब टू प्रूव एक्स वाई बड़ा छोटा वाला क्या है, बड़ा वाला एक्स वाई बड़ा है एक्स जेड से। बहुत ही गंभीर मसला है, क्या होगा इस क्वेश्चन में हम लोग का, क्या कहते हैं रणनीति ना, एक्स वाई बड़ा है, एक्स वाई बड़ा है कहीं तो देखने में ही लग रहा है, लेकिन ज्योमेट्री देखने के ऊपर नहीं चलता है। कभी कभी आपको लगेगा कि परपेंडिकुलर है, आप मान लेते हैं कि हाँ ये तो परपेंडिकुलर, लेकिन रहता नहीं जब तक लिखा, ज्योमेट्री कहता है कि जब तक लिखा हुआ नहीं रहे तब तक आप उसको नहीं ले सकते, या उसमें कोई प्रिंसिपल अगर नहीं लग रहा है तो। तो इसमें हमारे पास तो अभी एक ही रूल है कि ट्रायंगल है तो दो साइड का सम तीसरे से बड़ा, देखिए ट्रायंगल मिल गया है, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एक्स ओ जेड एकमात्र ट्रायंगल है, तब तो काम आसान लग रहा है, बिल्कुल आसान, क्योंकि ट्रायंगल तो एक ही है तो इसमें कंफ्यूजन वाला कोई बात ही नहीं है। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड नहीं, एक्स ओ जेड बोला मैंने, एक्स ओ जेड लिखा एक्स वाई जेड, तो इसमें भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होगा। अब देखिए आपको ग्रेटर देन के बाद क्या चाहिए, एक्स जेड चाहिए, तो पहले ही ग्रेटर देन लगा के एक्स जेड लिख दीजिए। अब इस ट्रायंगल में तीन साइड होता है, एक साइड पहले इधर चला गया, इधर क्यों गया, क्योंकि हमको इसको इधर ही लाना है, तो दो साइड बाकी का इधर लिखिए, एक हो गया एक्स ओ और एक हो गया जेड ओ। और ये जान के आपको बहुत खुशी होगी कि जेड ओ जो है वो वाई ओ के बराबर है, क्योंकि जेड ओ भी रेडियस है और वाई ओ भी रेडियस है, इसीलिए हमने जेड ओ को वाई ओ से रिप्लेस कर दिया। और एक्स ओ और वाई ओ को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा एक्स वाई जो कि बड़ा है एक्स जेड से। ये तो छोटा सा प्रूफ निकला, देखने में भारी भरकम लग रहा है, तो सर्कल का कंसेप्ट आ गया वेरी सिंपल, समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ इसी कड़ी में, क्वेश्चन का मैं बौछार कर देना चाहता हूँ ताकि आपको एकदम क्या है भयंकर टाइप का कॉन्सेप्ट मिल जाए, क्वेश्चन देखते ही आंसर। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये तो मैंने कराया था क्या, देखते हैं दोबारा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, एक बार नहीं होने से अच्छा है कि दो बार ही हो, डिवीजन भी हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन नया है, न्यूली लॉन्च क्वेश्चन। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए सी ग्रेटर देन ए बी, ए सी बड़ा है ए बी से, एंड ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, फिर से वही बात आ रहा है, चलो मैं सिंबलाइज कर देता हूँ और लिख भी देता हूँ, ए डी इज द बाइसेक्टर
ऑफ एंगल ए। शो करना है कि एंगल ए डी सी बड़ा होगा ए डी बी से। तो ए डी सी कहाँ है, ये एंगल ए डी बी इससे बड़ा होगा। बहुत मुश्किल काम है, ये इससे बड़ा होगा ना, करने के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है। और यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है कि ये एंगल बराबर है, ये देख के हम लोग कुछ रिलैक्स फील होता है कि कुछ काम आ सकता है। ए सी बड़ा है ए बी से, ध्यान दीजिएगा ए सी ए बी से बड़ा है। कहाँ ए सी, ये ए बी कहाँ है, ए सी बड़ा है ए बी से, तो हम लोग इसी का यूज करेंगे। ये अगर ए सी बड़ा है ए बी से, यहाँ से मैं प्रूफ शुरू कर रहा हूँ, ए सी बड़ा है ए बी से तो क्या होगा, ए सी के सामने का एंगल एंगल बी, ए बी के सामने एंगल बी बड़ा हो जाएगा, मतलब ये एंगल जो है इससे बड़ा है। ठीक है, अब क्या होने वाला है, जय हो। अब देखिए, अगर इसमें मैं इस एंगल को ऐड कर दूं, ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं अगर इस एंगल को ऐड कर दूं, तो आप जानते हैं कि ये दोनों का सम 60 डिग्री के बराबर होगा, एडीसी के आ जाएगा एडीसी। तो हम अगर लेफ्ट साइड में इसको ऐड करेंगे तो राइट साइड में भी यही ऐड होगा। तो ऐड करते हैं, एंगल बी में हम जोड़ रहे हैं बी ए डी, तो एंगल सी में भी कानूनन बी ए डी ही जोड़ना पड़ेगा। बी में बी ए डी जोड़ दिए तो ये इन दोनों का सम एक्सटीरियर के बराबर, ये तो ए डी सी हो गया। अब बताइए, ये सी और ये मिल गया तो कुछ होगा नहीं, इसके साथ इसको मिलाएंगे तो कुछ हो सकता है, और ये दोनों बराबर है ना, तो इसको इसे रिप्लेस कीजिए। एंगल सी प्लस बी ए डी को हमने लिखा डी ए सी, डी ए सी। अभी ये एंगल और ये एंगल मिलके तो एक्सटीरियर इसके बराबर हो जाएगा। सो ए डी सी बड़ा हो गया है एंगल ए डी बी के, प्रूफ हो गया। देखिए क्वेश्चन कमाल का था, इधर उधर खाली करना थोड़ा इधर थोड़ा इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, इनइक्वालिटी पे हम लोग इस तरह से काम कर रहे हैं कि बस क्या कहते हैं ना, हेडिंग बनेगा, अब इनइक्वालिटी की बोलती बंद, वही बात है, क्वेश्चन देख के और चुप हो जाएगा और आप उसको सॉल्व कर दीजिएगा, लेकिन प्रैक्टिस करना होगा तभी। क्वेश्चन है, एक फिगर बनाया हुआ है, ये क्वेश्चन तो क्लास सेवन में भी मैंने बनाया है, क्लास सेवन के बच्चे भी इस क्वेश्चन को करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। इन द गिवन फिगर प्रूव करना है, टीपी लिख देता हूँ ना, टीपी मीन्स टू प्रूव, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बड़ा है दोगुना पी एस के, टू पी एस। तो हमारा टारगेट है कि भाई राइट साइड में पी एस जाएगा, समथिंग प्लस समथिंग ग्रेटर देन पी एस, उधर पी एस का जगह फिक्स हो गया, क्योंकि ग्रेटर देन के बाद पी एस लाना, तो ग्रेटर देन के बाद पी एस लाना है, तो हमारा टारगेट हो गया कि हम ऐसा ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे जिसमें पी एस हो। तो ट्रायंगल में मिल गया पी क्यू एस, और एक और ट्रायंगल मिला पी एस आर। तो पहले एक एक ट्रायंगल में लिखते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, पी क्यू प्लस क्यू एस ग्रेटर देन क्या होगा पी एस, पहला इक्वेशन। फिर दूसरा ले लेते हैं, इन ट्रायंगल पी एस आर, पहले ही ग्रेटर देन के बाद पी एस ले लेना है, क्योंकि राइट में पी एस है। अब पी एस आर ट्रायंगल में पहले ही पी एस ले लेते, इधर कौन सा साइड बच गया, पी आर और आर एस। अब दोनों को हम लोग करने वाले हैं एड, ऑन एडिंग जैसे ही करेंगे इक्वेशन वन एंड टू, तो हमें क्या मिलेगा, पी क्यू प्लस क्यू एस प्लस पी आर प्लस आर एस। दो इक्वेशन को जब ऐड करते हैं तो कैसे करते हैं, लेफ्ट प्लस लेफ्ट, फिर राइट प्लस राइट, राइट प्लस राइट। पी क्यू का पी क्यू हो गया, क्यू एस फिगर में देखिए क्यू एस और आर एस मिलके क्यू आर बनाएगा,
तो इसको इसको साथ लिए और क्यू आर लिख दिए, प्लस पी आर रह गया, ग्रेटर देन क्या हो गया टू पी एस, यही लाना था, देख लीजिए प्रूव हो गया। सिंपल सा सवाल था, समझ गए होंगे आप। एक और मैं जबरदस्त सवाल लेकर के इस सेशन को खत्म करने वाला हूँ, तो देखिए ये लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्री लेटरल, ए बी सी डी इज ए क्वाड्री लेटरल, ए सी एंड बी डी आर इट्स डायगोनल्स, prove that AB plus BC plus CD plus DA greater than, अब जो इधर चार हो ही गया तो दो डायगोनल इधर लिखना होगा, AC plus BD, यही है सवाल, सवाल ही जवाब है। देखिए एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि फोर साइड होना चाहिए जैसे तैसे करके। हम लोग क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चन में कहता है बना देते हैं पैरेललोग्राम, हम लोग का हमेशा से आदत रहा है, क्वेश्चन में कहता है क्वाड्रिलेटरल तो हम लोग बना देते हैं एक रेक्टेंगल, और उसी उसमें हम लोग रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी यूज करने लगते हैं जो कि कहीं से भी सही नहीं है। क्वाड्रिलेटरल का है तो क्वाड्रिलेटरल बनाइए, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसमें फोर साइड, तो ये रहा पहला साइड, ये रहा दूसरा साइड, ये रहा तीसरा साइड, और ये रहा चौथा। ये पैरेलल नहीं है, ऐसा बनाया गया है जानबूझ के, मेड बाय जानबूझ के, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एसी को मिला लेते हैं, एसी को मिलाइएगा एक बार, दोनों डायगोनल नहीं मिलाए हैं कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, मतलब हाई लेवल का, इसलिए उसको लो करने के लिए दोनों डायगोनल फिगर में अगर दिया भी हुआ है तो आप अलग फिगर ड्रॉ करके एक डायगोनल कीजिए। एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इन ट्रायंगल एबीसी, आपको राइट साइड में क्या लाना है, एसी या बीडी, तो एबीसी में क्या आ रहा है, एसी आ रहा है, तो पहले ही आप ग्रेटर देन लिख के एसी डाल दीजिए, और इधर क्या हो जाएगा एबी प्लस बीसी, क्वेश्चन वन हो गया था, समझ गए। वैसे ही अब हम लोग दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, दूसरा ट्रायंगल क्या है एडीसी, तो एडीसी में भी राइट साइड में पहले ही एसी डाल देते हैं, इधर क्या होगा एडी प्लस डीसी, दूसरा इक्वेशन, ये आप समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा वाला डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा वाला डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो पहले वाले को मिटा लेते हैं, पहले वाले डायगोनल को मिटा दिए, ये रहा। अब देखिए आपको कौन सा ट्रायंगल मिल रहा है, इन ट्रायंगल एबीडी, तो एबीडी में राइट साइड में एसी तो हो गया, बीडी चाहिए, इधर बीडी कर देते हैं, तो इधर क्या होगा एबी प्लस एडी, तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। अब एक और ट्रायंगल बनना है बीडीसी, तो इन ट्रायंगल बीडीसी, चलिए इन ट्रायंगल बीडीसी अगर आप चलते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है पहले तो इधर से बीडी लिख दीजिए, और इधर हो जाएगा बीसी प्लस डीसी, फोर्थ इक्वेशन। अब इन चारों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि हमको एसी और बीडी दोनों चाहिए, तो एसी एसी है बीडी बीडी, इसलिए ऐड कर देते हैं। ऑन एडिंग क्वेश्चन वन टू थ्री एंड फोर ऐड कर दीजिए, क्या होगा लेफ्ट लेफ्ट में ऐड होगा, ये तो भयंकर लेवल का ऐड होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस डी सी प्लस ए बी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस डी सी। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ टर्म होगा, दो दो दो, ठीक है। ए सी ए सी टू ए सी और टू बी डी, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ टू ए सी प्लस टू बी डी, इधर दो कॉमन आ रहा है तो दो कॉमन भी ले लेते हैं। इधर से देखिए
ए बी और ए बी क्या होता टू ए बी, तो टू ए बी सही, टू बी सी, टू सी डी और टू डी ए, इतना हो गया। देखिए इधर से टू कॉमन आ रहा है, आ जाएगा टू कॉमन, ले लेते हैं टू कॉमन, लेने पर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ग्रेटर देन टू इंटू ए सी प्लस बी डी, टू से टू कैंसिल हो गया, तो हमें जो लाना था ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए सी प्लस बी डी प्रूव्ड हो गया, यही था इसका सॉल्यूशन। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हमने इसको बनाया। तो आज फिलहाल इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मैं देखूंगा, और अगर कुछ क्वेश्चन रह गए तो इसे रिलेटेड करवा दूंगा।